Assalamualaikum guys, this is Fizayu, welcome back to my YouTube channel. और आज का vlog जो है वो कुछ इस टाइप का है कि हम जा रहे हैं आज शादी में. शादी सीज़न ऑन है और जैसा कि अयूब गए हुए हैं जॉब पे और मैं अभी घर में हूँ, तैयारी कर रही हूँ जाने की. वैसे हमारा इरादा नहीं था लेकिन फोर्स इतना किया था कि नहीं नहीं आना ज़रूर था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना चले जाया जाए. सो जी, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग. आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, घर के काम मैंने कर लिए हैं, अब शादी के कपड़ों की सोच विचार चल रही है क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ. आज है मेहंदी. सो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जो आज शादी में हम जा रहे हैं वो हैं क्रिश्चियंस, ठीक है. तो सब अब ये सोचेंगे आप क्रिश्चियन की शादी में क्यों गए या कैसे गए या क्या रिलेशन था. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस शादी में हम जा रहे हैं वो हैं हमारी मतलब मैं और मेरे जो भाई बहन हैं, हमारी चाइल्डहुड जो टीचर थी, जो हमारी फर्स्ट टीचर थी, उनकी बेटी की शादी में हम जा रहे हैं. फिर दिमाग में ये सवाल आता है कि आप उनकी बेटी की शादी में क्यों जा रहे हैं, हालांकि हम स्टूडेंट थे. लेकिन नहीं, हम स्टूडेंट के साथ साथ उनके भतीजा और भतीजी भी थे. हम उन्हें जो है वो पप्पो कहते हैं और वो जो है हमें मतलब अपने भतीजा भतीजी कहती हैं. और कहती नहीं है, बहुत कुछ समझती है हमें. उन्होंने हमारे बचपन से लेकर अब तक जो है हमारे लिए बहुत कुछ किया. हमारी छोटी छोटी खुशियों को इतना सेलिब्रेट करती थी वो कि हमें मतलब खूनी रिश्तों से ज़्यादा जो है ना हमें वो अजीज़ हैं. जो बात सच है वो मैं आपको बता दूँ, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है और वो भी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती हैं. और जो है उनके जो बच्चे हैं वो भी हमें जो है वो मतलब अपने बहन भाई समझते हैं. तो हमारा जो और उनका जो वक्त था वो बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा था, इसलिए मैंने सोचा कि ना आज का व्लॉग बनाया जाए और दिखाया. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. अच्छा, आपको अगर टाइम मिला तो मैं आपको जरूर उनसे जो है वो मिलवाऊंगी, क्योंकि जाहिर है शादी का घर होगा और मतलब शादी हॉल में हो रही होगी, जाहिर सी बात है. तो ये है कि मिलवाना मुश्किल हो जाएगा. जाहिर है आपको पता है शादी के घर के बहुत सारे काम होते हैं. सो मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊं. हमने और उनका हमारा बचपन का साथ है. अब जब हम बड़े हो गए, हमारी भी शादियां हो गई, मेरे भाई की भी शादी हो गई और बाकी जो मेरे दो छोटे छोटे बहन भाई हैं उनका आई थिंक उनका भी, हाँ वो भी हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे जब हम छोटे थे. सो अब जो है उनकी आज उनकी बेटी की शादी है, तो हमने कहा चलो चलते हैं. उनके बेटे की भी शादी थी, मतलब कि मेरे भाई की शादी थी, तो उसमें भी मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि आई थिंक अयूब की जॉब का मसला था आज. तो मैंने उन्हें बोला नहीं भाई जल्दी आना, जाना ज़रूरी है. सो शाम में चलेंगे. जब तक मैं आपको अपनी पूरी रूटीन बताती हूँ कि जब से मैं क्या कर रही थी. जब से तो खैर घर के काम किया, सब काम हो गए. अब जो है वो तैयारी करनी है. वैसे भी आपको पता है सर्दियों के दिन है तो दिन जो है वो बड़ी जल्दी गुजर जाता है. सो अगर पप्पो आप मेरा व्लॉग देख रही हैं, सो वी लव यू ऑल. हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम सब जो है वो मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं. हमारे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है और एना बाजी और क्रिस्टोफर भाई आप लोगों के लिए भी. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ मैं आपको एक सीन बताती हूँ कुछ नहीं. सो जी, आज है मेहंदी का इवेंट और मेहंदी के हिसाब से जो है वो कपड़े मैंने डिसाइड कर लिए हैं. डिसाइड करने के बाद उसको प्रेस भी करना है, जाहिर सी बात है. सो चलते हैं और करते हैं तैयारी. आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा फिल्म. अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि मैंने आप लोग से एक बात तो शेयर ही नहीं की. जैसे कि हमारे मतलब मेरे इन लॉज में एक फैमिली मेम्बर का एडिशन हुआ है, इसी तरह जो है वो मेरी अम्मी के घर में भी एक फैमिली मेम्बर जो है वो न्यू आया है. वो है मेरे भाई का बेटा, मतलब कि मेरा भतीजा. और हमने उसका व्लॉग बनाया था लेकिन वो हमारा मोबाइल जो वो सब शहीद हो गया था, तो वो अब जो है मतलब कि गूगल आईडी दोबारा डालने पर भी वो नहीं आ सका. तो बड़े ही अफसोस हुआ मुझे क्योंकि हमने उसका वेलकम इतना अच्छा किया था, इतना अच्छा वेलकम किया था. तो उसका मैंने व्लॉग बनाया था पूरा लेकिन वो आ नहीं सका. तो वो जो है 17 दिसंबर को जो है 2023 को इस दुनिया में आया था माशाल्लाह से. और आई थिंक वो 20 दिन का हो गया होगा, 20-25 दिन का ही हो गया होगा. तो ये है कि उसका जो वेलकम की जो वीडियोस थी ना वो थोड़ी बहुत मेरे पास हैं, तो मैं आगे या फिर नेक्स्ट व्लॉग में या फिर आने वाले किसी दिन जो है वो मैं उसको जो है ना एक वीडियो बनाकर डालूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं. और माशाल्लाह से हमने उसका नाम रखा था सैयद आजमान अली और मेरे भाई का नाम जो है उस्मान अली है. और मेरे ये जो नाम है ये मेरे पापा ने रखा है, मतलब कि उसके दादा ने. सो
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। दिखाऊंगी मैं आपको अगर हो सका तो। तो चलते हैं भाई, शादी की तैयारी करते हैं, टाइम भी गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या पहनना चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी के हिसाब से ग्रीन ड्रेस पहन लिया जाए। अब अयूब का जो है वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि क्या निकाले। खैर जब आएंगे जब देखी जाएगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। बड़ा हरामी हो बेटा। सारी टेंशन है ना बीवियों के मत्थे मारी हुई होती है इन शोहरों ने भी। शादी में जाने के साथ साथ जो है वो आज है अम्मी का रोज़ा और गैस नहीं आ रही जिसकी वजह से हम कुछ बना नहीं पाए, तो इसलिए हमने बाहर से ही रोल समोसे सब मंगा लिया है क्योंकि गैस होती तो कुछ बनता, गैस तो ही नहीं और पूरा पूरा दिन गैस नहीं होती ना ही पूरा पूरा दिन लाइट होती है, मतलब कि हम गाँव की जिंदगी गुजार। देखो सो गाइज देर इज नो लाइट, अंधेरे में मुझे तैयार होना पड़ा, यू भी आ गए थे और अब जो है वो हम निकल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से हॉल में। So wait and watch. So guys, now we are हम हॉल में आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट गई हुई थी हमारे घर में, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये साहब ये रहे। ओ हेलो। सो अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं कि सेटअप यहाँ का मेहंदी का सेटअप है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप हुआ भाई। और अभी जो है वो थोड़ी सी पिक्चर्स ले रहे हैं, आप हमारी पिक्चर ले लें ले लेंगे। आज खामोश है, इनको मैंने पहले बोला था शादी में जा रहा खामोश खामोश रहना, बोला बोल सकता बस पिक्चर ले लें पहले फिर बोलते। ये क्रिस्टोफर भाई का बेटा है, मतलब मेरा भतीजा। अब जैसे कि हमारी सिस्टर की शादी है तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत मेहंदी सजा ली। मैं मेहंदी की तरह यहाँ पे मेहंदी सजाई जा रही है भाई। यहाँ पर अभी हमें मिल चुकी है वेलकम ड्रिंक और साथ में वो भी है क्या बोलते हैं ये देखिए, लोग पूछ नहीं रहे और ठूस रहे हैं, सिर्फ ठूस रहे हैं यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं हमें स्टार्टर मिला है, हमारी बेगम जूस फोड़ने में लगी है स्टार्टर का। जाहिर है बहन की शादी है तो मिठाई पिए ना। स्टार्टर में हमें जो है वो जूस के साथ जो है वो पिज्जा कॉर्न्स हैं वो मिले हैं और अभी तो जो इवेंट है वो स्टार्ट हुआ है, अभी काफी मतलब बाकी है, अब जो है वो देखें आगे आगे क्या क्या होते हैं बताते रहेंगे। और खुशन क्रिस्टोफर के लिए और आना के लिए खुदावन तेरे हजूर शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन आज की इस रस्म में खुदावन तो इनकी सहायता करना, मदद करना, रहनमाई करना खुदावन। और खुदावन हर एक बात में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तुम दोनों खानदानों के लिए रखता है। तमाम अजीजों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो इनकी दावत में इन्वाइट है खुदावन। और खुदावन इन खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और तमाम इंतजाम को तेरे कंट्रोल में देता हूँ खुदावन। और जब तुझे पुकारते हैं तुझे याद करते हैं तो खुदावन
जो अपनी बरकतों को अंधेरता है। खुदावंद तमाम इंतजामात को खुदावंद तेरे कभी हाथ के नीचे रखता हूँ, क्योंकि तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबाब से जलाली है, तेरा बायां हाथ दुश्मन को छूना छू करता है। प्यार से भरे जिंदा खुदा इस मज़ा इस माहौल को तेरे कंट्रोल में करता हूँ और आज की सारी रस्मों के लिए खुदावंद तेरे हजूर फरियाद करता हूँ। प्यार से भरे जिंदा खुदा तू आन मछूद होना, जिस तरह तूने काना गिरी की शादी में आकर खुदावंद उनकी ज़रूरियात को पूरा किया, इस तरह इन दोनों खानदानों की खुदावन ज़रूरियात को पूरा करना मांगता वालता हूँ तेरे कादर नाम से। आगे मैंने आप लोग को दिखा दिया है, अब मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वैसे वाकई में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और ये बल्ब मेरे मुंह पे आया जा रहा है। और जिस तरह आपने देखा कि रस्में वगैरह की यहाँ पर बहुत शोर है, गाने अच्छा, और ये हमारे घर के ऊट पटांग औलाद है। तो भाई खाना खुल गया सर, खुशफिजा बेगम खाना लेने गई है, अब ये खाना ले आए फिर खाते हैं। सो भाई निका के गुडी बैग्स भी मिल चुके थे और अब हम आ चुके हैं घर। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि बिल्कुल भी जो है ना वो रुका नहीं गया। हमने खाना खाया और हम फुर करके जो अपने घर पर आ गए हैं। सो आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पर एंड करूँगी। अब जो है हम जाएंगे इनके निका में जो कि है चर्च में, सो वहाँ पर हम जो है वो व्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग भी देखना ज़रूर भूलिएगा मत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए गुड नाइट।